आपने मुझे रिको पर सच्चा में बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। दोनों विषय जो है, रिको और राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन प्रतिवेदन के अंदर, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी को। ये दोनों विषय अग्रणी राजस्थान का संकल्प धरातल पर 100% सफल होगा। बाड़मेर जिला विगत कई वर्षों में ग्रेनाइट, लिग्नाइट, बेंटोनाइट और तेल के क्षेत्र के अंदर, उत्पादन के अंदर, वजह से औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार की प्रबल संभावनाएं हैं। जिला मुख्यालय पर प्राप्त निवेश विद्वान है। मैं मेरे विधानसभा चौहटन, जो सीमा का पहला विधानसभा है, और गुजरात से कच्छ का क्षेत्र लगता है, और कच्छ के क्षेत्र के अंदर मेरी विधानसभा से 30 किलोमीटर के ऊपर नमक का उत्पादन होता है, और मेरे बाकासर रण के अंदर भी इस उद्योग को लेकर रण क्षेत्र के अंदर करीब 10,000 बीघा जमीन लवणीय तथा बंजर पड़ी है। इस क्षेत्र में पिछले 15-20 वर्षों से नमक उद्योग को स्थापित कर नमक उत्पादन इकाइयां तथा स्थापित करने की मांग सर्वजन आम जनता द्वारा की जा रही है। पिछली वसुंधरा जी की सरकार के अंदर बाकासर रण क्षेत्र के अंदर कुछ काम हुआ था, दो ट्यूबवेलें भी खुदी थी, जिसमें नमक की मात्रा और उसमें यही आया था। और उसके बाद में सरकार कांग्रेस की आ गई, और इस 5 साल के कांग्रेस की सरकार के अंदर इस क्षेत्र के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया गया, नमक उद्योग के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया गया। ये सरकार 5 वर्ष तक होटल के अंदर रही और कुर्सी की लड़ाई के अंदर उद्योग क्षेत्र के अंदर बहुत भारी नुकसान हुआ है। और इस इकाइयों को 2024 और 2025 के बजट घोषणा में बाकासर रण क्षेत्र में नमक उद्योग को स्थापित करने की घोषणा की जाती है, तो पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर विकास के आयाम स्थापित होंगे। साथ ही विधानसभा क्षेत्र चौहटन में अन्य नवीन उद्योगों को स्थापित किया जाता है, तो यहाँ के स्थानीय बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार अवसर सुलभ प्राप्त होंगे तथा क्षेत्र का बहुमुखी विकास भी होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, लोक हित में राज्य को स्रोत शिखर पर ले जाने में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए तथा यहाँ उद्योगों के रोजगार प्रदान किए जाएं, तो निश्चित रूप से जो है हमारा जो क्षेत्र है बाकासर का रण, उस क्षेत्र के अंदर जो बंजर पड़ी है जमीन, यदि हमारा नमक उद्योग इस क्षेत्र के अंदर यदि शुरू होता है, तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र के लोगों को, अनेकों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और उद्योग को भी प्रबल जो है ताकत मिलेगी। बाड़मेर जिला अपने आप में यदि देखा जाए तो उद्योग क्षेत्र के अंदर
केवल राजस्थान की आर्थिक राजधानी नहीं पूरे भारत की आर्थिक राजधानी है और इस क्षेत्र के अंदर हमारे विशेष करके जो उद्योग है उस उद्योगों को यदि चार चांद लगते हैं तो निश्चित रूप से जो है बाड़मेर जिला अग्रणी जिलों में है और आगे बढ़ेगा। निश्चित रूप से मैं आप से निवेदन करना चाहूँगा कि आने वाले समय के अंदर हमारा जो चौटन क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर हमारे हाथकला का काम है जो वो भी उद्योग में ही आता है, नक्शी का काम है, जिनको भी यदि डेवलपमेंट किया जाए तो निश्चित रूप से हमारे चौटन विधानसभा के अंदर अनेकों युवाओं को उसमें रोजगार मिलेगा। इतना ही मैं कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर प्रियंका चौधरी।